गाना निकालने का सबसे आसान तरीका आज मैं बताऊंगा आपको, कोई भी गाना सुनकर हारमोनियम पर कैसे निकाला जाता है। जो भी आप सोच रहे हैं या गाना बजाने के लिए चाह रहे हैं अभी तक नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या सीखना चाहिए और कैसे 2 दिन में आप किसी भी गाने को हारमोनियम पर निकाल सकते हैं। देखिए इस वीडियो के लास्ट तक, आप पूरा हारमोनियम का मास्टर बन जाएंगे। साथियों, अगर आपके पास हारमोनियम नहीं है कोई बात नहीं है, मोबाइल से हारमोनियम बजाना हम आपको सिखाएंगे। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हारमोनियम में सबसे जो मेन जरूरी चीज़ है बात जानना है कि हारमोनियम क्या है और कैसे वर्क करता है और गाना कैसे निकलता है, ठीक है। हारमोनियम एक वाद्य यंत्र है और इस पर गाना हम निकालते हैं इसके रीड की सहायता से। इसमें स्वर फिक्स किया हुआ है कि जो स्वर इसमें बोली और लिरिक्स फिक्स नहीं है, लेकिन स्वर जो है आपके गले से जो भी स्वर निकलता है वह यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये पांच पांच काले का 3 सेट रहता है, जिससे फर्स्ट का सेट को हम बोलते हैं मंद्र सप्तक, दूसरे को बोलते हैं मध्य सप्तक, तीसरे को बोलते हैं तार सप्तक। और सभी पटम को हम क्रमानुसार प्रेस करेंगे तो भारी आवाज़ से स्टार्ट होगा और तीव्र आवाज़ में जाके समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नीचे वाले पटम को भी हम प्रेस करेंगे, बस सेम प्रोसेस है। यानी कि मिला जुला के बोले तो एक सीढ़ी की तरह वर्क करता है हारमोनियम का रीड, लो से हाई की ओर जाता है और हाई से लो की ओर आता है, ठीक है। बस इसी के अनुसार किसी भी गाने को हम हारमोनियम पर निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, जो भी गाना आप मन में सोच रहे हैं या गुनगुना रहे हैं उसको एक बार पहले गाइए, हारमोनियम के साथ मिलाइए किसी बटम के ऊपर एक उंगली रख के, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इस तरीके से स्वर को समझते हुए किसी गाने को आप गुनगुनाइए, जैसे गाना कुछ भी हो, राग कुछ भी हो, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो हो पा रहा है। बस ये आप समझ जाएंगे तो कोई भी गाना को खुद से प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक अलंकार जो प्ले किया हूँ, ये अलंकार आप खुद से बना सकते हैं, किसी टाइप का जिस संगीत से आप प्यार करते हैं उस टाइप का भी अलंकार ले सकते हैं। जैसे ठीक है, धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े को गाने को आप हारमोनियम पर ट्राई करेंगे कि कौन सा गाना प्ले हो रहा है, उंगली चलाते रहना है, उंगली चलाते रहना है बटम के ऊपर। सबसे पहले मेन जरूरी बात है, अगर आप हारमोनियम के ऊपर पहली बार हैं तो सरगम पहले सीख लीजिए। जैसे कि पहले को काले को सा मानते हुए, सा गले से स्वर को मिलाते हुए, सा ये अनुभव जब आपको आ जाएगा कि कौन सा स्वर में से किस तरह का स्वर निकल रहा है, हमारा गला कहाँ पे मैच कर रहा है, जो मैं गाना गाने जा रहा हूँ, जो मैं स्वर निकालने जा रहा हूँ वह किस बटन से शुरू होगा। जैसे ए एक प्यार, एक प्यार का नगमा है, ये सा से स्टार्ट हुआ है। इस सा पे जब उंगली रखेंगे और इस गाने को स्टार्ट करेंगे तो मैच करेगा मेरा आवाज़, ठीक है। देखिए कैसे, एक प्यार का नगमा है, जो सरगम मैंने प्ले किया है उसी सरगम के हिसाब से चल रहा हूँ, वही सीढ़ी पे मैं चल रहा हूँ, इसलिए यह गाना बज पा रहा है, ठीक है। सीढ़ी अगर चेंज कर देंगे जैसे एक प्यार तो नहीं हो पाएगा। सरगम सीखना बहुत ही जरूरी है, सरगम के हिसाब से किसी गाने को हम प्ले कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी गाना हो सरगम के ऊपर ही गाना निकलता है, ठीक है। एक प्यार का नगमा है, अब दूसरा स्टेप में, पहला स्टेप में क्या हुआ, स्वर का रेंज लो से हाई की ओर जा करके फिर जो है मध्य में आके रुक गया, पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप देखिए यहाँ से कहाँ जाएगा, मौजों की रवानी है, ठीक है।
अब क्या हुआ, सेम स्वर फर्स्ट स्टेप में, दूसरे स्टेप में, सिर्फ लिरिक्स चेंज हुआ, बोली चेंज हुआ, लेकिन स्वर वही है। इसलिए सेम स्टेप को हमने यहाँ पे दोहराया। एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा है, ठीक है, मौजों की रबानी है। अब सोचने वाली बात यह है कि एक ही बटम से, एक ही स्टेप से हम एक प्यार का नगमा भी गा रहे हैं और दूसरा स्टेप मौजों की रवानी, दोनों में लिरिक्स अलग है, बोल अलग है, लेकिन फिर भी एक ही चीज़ को रिप्ले कर रहा हूँ और दोनों स्वर निकल रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हारमोनियम पर बोली नहीं बजता है, लिरिक्स नहीं बजता, बल्कि स्वर बजता है। हम उसे अनुभव करते हैं कि यही चीज़ बज रहा है, ठीक है। अब इसका आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, ठीक है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्वर डिफरेंट हो गया है, फिर से देखिए। ये प्यार का दरिया है, यहाँ डूब के जाना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको गाने के उतार चढ़ाव समझना है और किसी भी गाने को छोटे छोटे टुकड़े में बांट के और सरगम के हिसाब से देखें आप। सरगम के अलावा किसी दूसरे बटन को हमने टच नहीं किया, तो बहुत सारे ऐसे सरगम पर गाने आधारित हैं थर्ड बिलावल पे कि सेम स्वर लगता है, यानी कि एक भी स्वर अलग नहीं लगता है इसमें और गाना अच्छे तरह से उतर पाता हारमोनियम पर। तो शुरुआत के टाइम में जो गाना आपको ईजी लगे, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, ठीक है, परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के फिर से परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के। तो शुरू के टाइम में जो जो आसान गाने आप जो गाते हैं, जो गुनगुनाते हैं, हमेशा हमेशा दिमाग में चलता रहता है, वैसे वैसे गाने को सिलेक्ट करके आप प्ले करने के लिए कोशिश कीजिए। यकीन मानिए 2 से 3 दिन होते होते आप पकड़ लेंगे गाना निकालने का जो तरीका है जो मैं बताया, बस इसी को फॉलो करना उतार चढ़ाव समझते हुए। और हमेशा कुछ ना कुछ जब आप बजाने के लिए बैठे तो उंगली को अपने मन में सोचते हुए कोई भी सॉन्ग को प्ले करते रहना है, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जुड़ जाइए हमारे आरुषी फिल्म यूट्यूब चैनल से। और कोई भी वीडियो आप लोग के लिए मैं बनाऊँ इसलिए आप कमेंट कीजिए कि कौन सा चाहिए, ठीक है। साथ ही मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।